सबसे पहले हमने कल क्या किया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए कोमा ए टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर आए। ए कोमा ए टाइप का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, हर एक एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड होना ही चाहिए। तो अगर किसी भी फंक्शन को, सॉरी रिलेशन को सिमेट्रिक अगर प्रूव करना, सॉरी अपना रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए कोमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर उसको बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड चीज क्या आ गई, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के अंदर हम अज्यूम करके जाते हैं भैया कि ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब ये इसको यूज करते हुए हमें क्या प्रूव करना होता है कि उसका उल्टा बी कोमा ए भी उसको बिलोंग करेगा। राइट, एक ये पार्ट हो गया। देन ट्रांजिटिव, ए कोमा बी कोमा सी, हम अज्यूम करके जाएंगे कि ए कोमा बी कोमा सी ये दोनों के दोनों आर को बिलोंग करते हैं। कौन से टाइप के हैं, ए कोमा बी कोमा सी, जिनका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट का ए कोमा बी का सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड का बी कोमा ए का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो ये अगर आर को बिलोंग करते हैं तो ए कोमा सी भी आर को बिलोंग अगर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब एक नई स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पता क्या होता है, मैं लिखवाऊंगा अभी। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो तीनों, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दैट्स इट। तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि इक्विवेलेंस प्रूव करो, ये गिवन रिलेशन जो है इक्विवेलेंस है, तो क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, कि ये रिलेशन तीनों है। अगर ये तीनों है तो देन इट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का डेफिनेशन ये है कि वो तीनों होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके ये लिखवाऊंगा अभी मैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक और चीज है जो करवानी होती है इक्विवेलेंस क्लास, तो साथ में लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो शो दैट द रिलेशन आर, लिखो क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑन द सेट ऑफ कैपिटल आर, लिख लो, ऑन द सेट ऑफ कैपिटल आर ऑल रियल नंबर्स, ये ऑल कर दो, हाँ, ऑन द सेट ऑफ कैपिटल आर शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट कैपिटल आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो जरा, देखो अगर मेरे को डिसअप्रूव करना है तो मैंने तुम्हें क्या बोला, वो ऑलरेडी एग्जांपल देके कर सकते हो। तो अगर मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो कोई भी एक एग्जांपल ढूंढ लो जो इसको सेटिस्फाई ना करे, जो इसको सेटिस्फाई ना करे, इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ढूंढ लो। तो अब देखो ये रिलेशन किसके ऊपर है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ऐसे ये रिलेशन है ऑल रियल टू ऑल रियल। तो इनपुट क्या जाएगा, ऑल रियल, किसके साथ रिलेशन बनाएगा, खुद के साथ ही, ऑल रियल रिलेशन ऑन सेट ए है, रिलेशन ऑन सेट आर। ठीक है, नाउ अब कौन सा ऐसा रियल नंबर होगा जिसके लिए ये चीज ट्रू होगी, राइट, सच दैट वो ए कोमा ए हो, ए कोमा ए टाइप का ऑर्डर दे रहा हो। निकाल लेते हैं। अब देखो अगर रिफ्लेक्सिव होना है
तो ए कोमा ए को इसको आर को बिलोंग करना चाहिए। अब ए कोमा ए आर को कब बिलोंग करेगा, जब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर को इधर ले आओ, ये समझे। इनफैक्ट 0 पॉइंट समथिंग इसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि क्योंकि जैसे 0.1 है तो 0.1 इधर आया, इधर 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.121, नहीं 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, सॉरी वो मैंने 0.11 का बोल दिया, 0.01। अब 0.01 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 ना, तो इनफैक्ट 0 to 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, तो इन सब के लिए करेगा। तो इसका मतलब ये है कि काफी सारे ऐसे रियल नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे ए कोमा ए टाइप के, राइट। अब यहां से एग्जांपल पिक कर लो, कौन सा नहीं सेटिस्फाई करेगा, 0 to 1 वाले कोई भी एक एग्जांपल ले लो। देखो ये चीज करके दिखानी नहीं है, अगेन ये चीज तुम्हें हेल्प देगा ये नंबर ढूंढने के लिए जो इसको डिससेटिस्फाई करेगा, कौन सा डिससेटिस्फाई करेगा, 0 to 1। अब मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने एग्जाम्पल ली क्या, लेट से 1/2 ए इज इक्वल टू 1/2, तो ए कोमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करना चाहिए इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। तो नाउ ए कोमा ए अगर आर को बिलोंग करना चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1/2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/2 का, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। नाउ सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस ए कोमा ए फॉर ए इक्वल टू हाफ डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। करना ये है, ये जस्ट तुम्हें हिंट मिला कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जिसका ए कोमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर बनेगा। ये समझ में आया पक्का। सेकेंड सिमेट्रिक, तो लेट एग्जाम्पल ही देनी है क्योंकि नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, वन कोमा थ्री आर को बिलोंग करता है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, हाँ है ना। बट इसका उल्टा 3,1 के लिए क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा, नो, तो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये चीज क्यों आ जाएगी, नॉन सिमेट्रिक, बात खत्म, एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,-2 एग्जाम्पल ही सोचनी है, 1,-2 आर को बिलोंग करेगा क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, हाँ है ना, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा ना, ये भी आर को बिलोंग करेगा क्योंकि -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अच्छा लेकिन ये भी होता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर ये भी होता है ना, तो हमें कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिसके लिए ये ना हो। मैंने ट्रांजिटिव की एग्जांपल ले ली जिसके अंदर ट्रांजिटिव हो जाएगा, कोई ऐसा एग्जांपल लेना जिसके लिए ट्रांजिटिव ना हो। -1, ये भी करेगा ना, ये भी करेगा, पॉइंट वन, हाँ
बिल्कुल ये कर रहा है, ठीक है, 1, -1, तो 1 > -1 का स्क्वायर बिल्कुल होता है, ठीक है, 1 = 1 आ जाएगा ना, इक्वालिटी भी है तो बिल्कुल सही है। तो -1, 0.1, तो -1 > 0.1 का स्क्वायर बिल्कुल सही है, -= पॉजिटिव। अच्छा, बट इन दोनों के बावजूद क्या 1, -1, 0.1 ये आर को बिलोंग नहीं करता? क्यों? क्योंकि 1 > 0.1 का स्क्वायर ये नहीं होता, तो देयर फोर नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट, यस सर। ये नोट करो, चलो लिखो जरा। प्रूव दैट द रिलेशन आर, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स on the set of all integers, this relation, if an equivalence relation, is an equivalence relation, is an equivalence relation. ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन इसके नीचे लिख लो स्टार मार्क करके, साथ में लिखो यहीं पे, इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं। रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल थ्री इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल थ्री इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली बेसिकली इसको क्या प्रूव करना है कि भैया ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। तो अब इसको प्रूव करना है तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी, हमें फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो फॉलो हो रही है। कौन सी डेफिनेशन? पहला अपना रिफ्लेक्सिव के लिए a, a टाइप का हर एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर ऑल इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब हमने क्या बोला, ध्यान से देखना अटेम्प्ट करने का तरीका। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट a इज एन इंटीजर, a हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। नाउ सिंस अपना पहले देखोगे कि a कोमा a जब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो कौन सी कंडीशन है जो a कोमा a सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज a माइनस a इज डिविजिबल बाय n, ये होना चाहिए। और a माइनस a क्या होता है? जीरो। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, सिंस जीरो दैट इज a माइनस a इज डिविजिबल बाय n, क्योंकि जीरो तो हर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो सिंस जीरो दैट इज a माइनस a इज डिविजिबल बाय एन, दैट मीन्स कि अगर मैंने इधर ए एंड बी की जगह ए ए डाल दिया तो जो कंडीशन आएगी वो हमेशा ट्रू होगी। तो यानी कि ए कोमा ए अगर मैं डालूंगा ए कोमा बी की जगह तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी जो हमेशा ट्रू है, यानी कि ए कोमा ए इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। नाउ सिंस जीरो दैट इज ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन, देयर फोर ए कोमा ए ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। समझ आया? पक्का? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कंडीशन को देखना है, क्या a कोमा a इसकी कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा? अगर करेगा उसी से शुरू करो कि सिंस दिस कंडीशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, देयरफॉर ऑल a कोमा a टाइप के ऑर्डर पर r को बिलोंग करेंगे, हेंस इट इज, बस बात खत्म।
देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्टिव. क्लियर हुआ मेथड? पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस. ठीक है. सेकंड, सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक कैसे करोगे? अब इसके लिए अज्यूम करके जाएंगे कि ए कोमा बी इसको डिवाइड करता है, मतलब सॉरी ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है. लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर. अब ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन. हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी जो है वो एन इंटू के टाइप का होगा, या एन इंटू क्यू ले लो. हाँ या ना? ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आई तो बोलो. आई समझ? प्लस जीरो हो गया ना, वो अपना डिविडेंड इंटू अपना सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू आगे डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर जीरो तभी जाके डिवाइड होगा. तो बेसिकली इस टाइप का आ रहा है, राइट तो अगर कोई चीज परफेक्टली डिवाइड हो जाती है तो बस हमें क्या लगाना है, डिवाइजर के साथ क्वेश्चन लगाना होगा, राइट अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी माइनस ए क्या आ गया, एन इंटू माइनस क्यू. यानी कि बी माइनस ए जो है वो भी अब एन से डिवाइड हो जाएगा. तो अब इस स्टेटमेंट से मैं क्या बोलूंगा कि b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n. तो देयर फोर बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r. देयर फोर आर इज सिमेट्रिक. ये क्लियर हुआ? क्या हुआ? a माइनस, अगर a कोमा b को r को बिलोंग करना है तो a माइनस बी आर को डिवाइड n को डिवाइड करेगा. दैट मीन्स a माइनस बी सॉरी अपना a जो माइनस बी जो है वो डिवाइजर इंटू सम क्वेश्चन के टाइप का होगा, राइट तो अब मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई करके बी माइनस ए जनरेट किया, क्योंकि अगर बी कोमा ए को इसको बिलोंग करना है तो मेरे को इधर बी माइनस ए चाहिए, तो मेरे को बी माइनस ए जनरेट करना. तो बी माइनस ए कैसे मिलेगा? ए माइनस बी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके. तो इसलिए मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई करके बी माइनस ए जनरेट किया. अब जैसे बी माइनस ए एन से डिवाइड हो गया तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया सिंस बी मतलब यहां से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n, देयरफॉर b कोमा a भी उसको बिलोंग करेगा. तो a कोमा b के r को बिलोंग करते करते b कोमा a भी उसको बिलोंग कर रहा है तो r क्या होगा? सिमेट्रिक. बात करो. हाँ जी. नहीं हम ये देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ही क्या है कि अगर a कोमा b उसको बिलोंग करता है तो b कोमा a भी करना चाहिए. तो दैट इज वाई ये अज्यूम तो करके जाना पड़ेगा कि ये उसको बिलोंग कर रहा है, इसके बाद उसको उल्टा उसको प्रूव करना चाहिए. और इसके अंदर अजम्पशन क्या कि हमने ये चीज, तो इसकी कंडीशन ट्रू होगी. अब इसको यूज करके उल्टी कंडीशन बनानी है कि बी को मैं ए भी उसको सेटिस्फाई करेगा. हर बार नहीं करेगा जरूरी, अभी तो पिछले वाला नहीं करेगा ना. अब पिछले वाले की क्या कंडीशन थी? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. तो जरूरी थोड़ी बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो. तो ये कंडीशन अब यहाँ पे आप प्रूव नहीं कर सकते, यहाँ पे हो गई. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे जहां पे हो जाएगा बी को मैं ए कर जाएगा. अब देखो थर्ड ट्रांजिटिव. तो इसके अंदर क्या लेट करके जाएंगे? लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर. ए कोमा बी आर को बिलोंग करने का मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय तो दैट इज एन इंटू क्यू वन. हाँ या ना? अब बी माइनस बी कोमा सी आर को बिलोंग करने का मतलब बी माइनस सी इज एन क्यू टू, मतलब बी माइनस सी भी एन से डिवाइड हो जाता है तो एन क्यू टू. अब मैंने इन दोनों को एड कर दिया, बी भी कटा तो ए माइनस सी इज एन टाइम्स क्यू वन प्लस क्यू टू. तो इस चीज का मतलब क्या है कि ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस सी भी एन को डिवाइड हो रहा है. तो अगर ए माइनस सी भी एन को डिवाइड हो रहा है ए कोमा सी आर को बिलोंग करेगा, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव. डन. तो ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी थी, इनको यूज करके हमने जो थर्ड वाला चीज प्रूव की. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. इधर पक्का करो. लिखो लिखो लिखो. अगला क्वेश्चन. यस, शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए On set A, A set है
वन टू थ्री फोर फाइव, साथ में लिख लो ऑन सेट ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, आर ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज एन इवन नंबर। Is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ठीक है, further show that All the elements of सिर्फ 135 का सेट बनाना, all the elements of set 135 odd numbers वाला, all the elements of set 135 are related to each other and all the elements of set 2,4 and all the elements of set 2,4 are related to each other and no element of set 135 and no element of set 135 is related to any element and no element of set 135 is related to any element of set 2,4. ठीक है, इसी के नीचे स्टार मार्क करके लिख लो, इसी क्वेश्चन के अंदर ही स्टार मार्क करके लिखो, क्वेश्चन के अंदर ही स्टार मार्क करके लिखो, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू और ऐसे बॉक्स ऑफ टू। ये बॉक्स ऑफ टू का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास निकालना इसकी। ठीक है, जो एक्चुअल में इसका अगला वाला प्रूफ, इसका पिछला वाला जस्ट जो है जो प्रूफ करना है अपने को कि 135 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 24 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 2,4, तो एक्चुअली में इक्विवेलेंस क्लास ही होना। बट अब अलग से भी मैं तुम्हें बोल दिया कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाओ, चले करें शुरू। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। ए सेट हमें दे रखा है 1,3,4,5, 1,2,3,4,5, इसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया और ये प्रूव करना कि ये अपना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए कोमा ए टाइप का ऑर्डर पर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए माइनस ए क्या होगा, इवन नंबर, और ए माइनस ए क्या होता है, और जीरो इवन नंबर होता ही नहीं होता। अच्छा, ये जीरो इवन भी नहीं होता, ऑड भी नहीं होता, ये किसने बोला, जीरो इवन नंबर होता है, जीरो इवन नंबर, इवन की डेफिनेशन क्या, इवन होती है जो टू से डिवाइड होता है, जो टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर वन दे वो ऑड है, तो जीरो तो टू से परफेक्टली डिवाइड, जीरो तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर वन निकालो जीरो से डिवाइड करके, जीरो को टू से डिवाइड करके रिमाइंडर वन निकालो, आएगा ही नहीं, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो जीरो इवन होता है ऑड होता है, इवन रिमाइंडर वन आना चाहिए बच्चे, ऑड की डेफिनेशन क्या है, टू से डिवाइड करके रिमाइंडर वन, टू से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो। देखो टू से डिवाइड करोगे, याद करो तुमने वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है, अगर थ्री से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जीरो वन टू आ सकता है, किसी भी नंबर को फोर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन तक रिमाइंडर आ सकता है, तो किसी को भी टू से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो या वन,
अगर जीरो रिमाइंडर आया तो इवन वन आया तो जीरो को टू से डिवाइड करोगे, थ्री फोर जिससे करना कर लो, लेकिन डेफिनेशन टू से डिवाइड करने की है। तो जीरो से को टू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो, तो वो इवन नंबर है भैया, बात खत्म। ये समझ में आया, रिमाइंडर वन आ जाता तो मैं ऑड मान लेता, तो जीरो इज एन इवन नंबर। सो पता नहीं था, नाउ सिंस ए माइनस ए विच इज जीरो इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, देयरफॉर ए कॉमा ए ऑलवेज बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक, तो इसके लिए क्या ज्यूम करके जाएंगे, ए कॉमा बी जो है ये आर को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए माइनस बी का मोड जो होगा ये एक इवन नंबर होगा, यानी कि टू के टाइप का होगा। इवन नंबर का मतलब टू के टाइप का होगा, हाँ ये ना। अच्छा, मोड के अंदर ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो कोई फर्क पड़ेगा? पक्का, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव का फर्क, टू का मोड और माइनस टू का मोड सेम होता है, तो इसको अंदर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जो ये बन गया माइनस वन कॉमन लेने के बाद, या माइनस कॉमन लेने के बाद बी माइनस ए, हाँ ना, अंदर ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब मोड के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो ये नेगेटिव हटा के क्या बनेगा, बी माइनस ए का मोड इज, तो इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऑड ऑल रियल, ओके ठीक है, ऑल रियल नहीं, रिलेशन आर, माता जी रिलेशन आर, तो ये अपना रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, तो ए कोमा बी के बिलोंग करते करते अगर उसका उल्टा बी कोमा ए भी आर को बिलोंग कर गया तो क्या आ जाएगा ये, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ट्रांजिटिव, लेट ए कोमा बी बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, ये थोड़ा मेथड समय ने इसका, ठीक है, प्लीज इधर चित्राक्ष सीधा होगा। नाउ ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी का मोड क्या आ जाएगा, टू के वन, बी माइनस सी का मोड क्या आ जाएगा, टू के टू। अब बच्चों को यार मोड वोड पता है, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे इनको ऐड कर देते हैं और बोलते हैं माइनस बी प्लस बी कटा, ए माइनस सी का मोड आ गया, ये चॉइस ऑफ समथिंग, तो वो आ गया इवन, लेकिन मोड भी तो है अपने को, मोड को भी तो हैंडल करना है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते दो मोड को, और अगर करेंगे तो जरूरी नहीं बी और माइनस बी कटेगा, लेकिन मेरे को किस स्टेटमेंट पे पहुंचना है कि ए माइनस सी का मोड जो है वो ट्वाइस ऑफ समथिंग आ जाना चाहिए, हाँ जाना, तभी जाके ए माइनस सी का मोड जो है वो इवन नंबर होगा, तब जाके ए कोमा सी आर को बिलोंग करेगा, जहां तक पहुंचना है, ये समझ में आ रहा है कहां तक पहुंचना है माइशा, पक्का पक्का ना, तो मेरे को ये स्टेटमेंट तक पहुंचना है, तो इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए मोड हटाना पड़ेगा पहले, तो मोड हटाने के लिए इक्वालिटी है, मोड हटा देते हैं, तो ये क्या बना, ए माइनस बी इज प्लस माइनस इसका, बी माइनस सी इज प्लस माइनस, दोनों को ऐड किया, ये बी बी कटा, तो ए माइनस सी इज प्लस माइनस, अच्छा टू कॉमन ले लो बाकी रहने दो, प्लस माइनस के वन प्लस माइनस के टू, हाँ है ना, अब मोड ले लो, मतलब इधर कुछ ना कुछ आ जाएगा ना, के वन के टू का जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उसका मोड करके आ जाएगा, तो ए माइनस सी का मोड भी क्या आ गया, इवन नंबर, क्योंकि टू तो आ गया, अपने को तो टू से फर्क पड़ता है, तो टू आ गया, तो ए माइनस सी भी, ए माइनस सी का मोड भी इवन नंबर हो गया, तो देयरफॉर ए माइनस सी, सॉरी ए कॉमा सी विल बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ, पक्का? हाँ जी लिख दो इधर, वो क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा ना जो भी आएगा, अपने को तो टू से फर्क पड़ता था, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्लीज, आर्यन मत लिखा कर, मैं बहुत बार ऑब्जर्व किया, मैं समझा रहा हूं तो लिखना शुरू कर देता है, मत किया कर, पता नहीं काहे की गाई है तेरी, उसके बाद जब लिख रहे होते सारे तो फ्री बैठा होता है, मर्जी तेरी। हाँ जी, अब अगली स्टेटमेंट, फर्दर प्रूफ दैट के लिखा हुआ है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब इसका मतलब ये है कि 1 3 5 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस रिलेशन के थ्रू सिर्फ 1 3 5 के साथ ही रिलेटेड होंगे। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इसके अंदर दो टाइप के नंबर आ रहे हैं, या तो ओड या तो राइट,
तो ए एंड बी दोनों के दोनों चूज करने, वो यहीं से चूज करने हैं, तो कौन से दो नंबर्स का जो डिफरेंस होता है उसका मोड इवन नंबर होगा? ओड का एक ओड, क्या क्या केस पॉसिबल है? ओड ओड, ओड इवन, इवन इवन। अगर दो ओड हैं तो दोनों ओड का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इवन। दोनों इवन का डिफरेंस क्या आ जाएगा? और एक ओड और एक जो इवन है, एक ओड और एक इवन, उसका डिफरेंस क्या आएगा? ओड। यानी कि ओड ओड वाले कोई भी दो नंबर चूज करो वो इसको बिलोंग करेंगे, यानी कि एक ओड नंबर दूसरे ओड नंबर से रिलेट करेगा ही करेगा इस रिलेशन के थ्रू। ऐसे कोई भी दो इवन नंबर चूज करो, टू फोर ही है, कोई भी दो नंबर इवन नंबर चूज करो है ही, चलो दो अगर आगे भी होते हैं उनमें से भी कर लेते हैं, तो कोई भी दो इवन नंबर चूज करके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा राइट। यानी कि दो इवन नंबर ही आपस में रिलेटेड हो सकते हैं। अच्छा, एक ऑड और एक इवन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक ऑड नंबर एक इवन नंबर के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। यही तो लिखा हुआ है इधर कि 1, 3, 5 के एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड हो सकते हैं, 2 और 4 के एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड हो सकते हैं, 1, 3, 5 के एलिमेंट्स 2 और 4 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकते। अब इसके अंदर लिखना क्या है कि सिंस डिफरेंस ऑफ टू ऑड्स और टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर, देयरफॉर ऑड नंबर विल बी रिलेटेड टू ऑड एंड इवन नंबर विल बी रिलेटेड टू इवन नंबर एंड नो ऑड विल बी रिलेटेड टू इवन नंबर। कोई भी ऑड नंबर इवन के साथ रिलेट हो नहीं सकता क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो इवन आ नहीं सकता। क्लियर हुआ? राइट right? अच्छा, अब बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा है, फर्दर कैलकुलेट दी इक्विवेलेंस क्लास, किसकी? टू की। तो बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है, ठीक है? अब जहां पे क्वेश्चन, अभी तो तुमने आंसर लिखा नहीं है, शर्मा करो, लिखो जरा इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इसके बाद ये लिखना दैट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि रिलेशन ऑन ए हो रहा है ना, रिलेशन ऑन सेट ही होता है, तो ए सेट को बिलोंग करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए which are related to the given element, which are related to the given element, is called equivalence class, ठीक है? बेसिकली वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट जो नंबर टू के साथ इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन के आएंगे? इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो ये बताओ, देखो ए कोमा बी के अंदर हम क्या बोलते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ये बोलते हैं। तो इनमें से अगर एक एलिमेंट टू हो गया तो दूसरा एलिमेंट क्या क्या हो सकता है इनमें से? इवन नंबर है ना, तो दूसरा नंबर भी इवन होगा, तभी जाके दो इवन का डिफरेंस इवन आएगा। तो टू नंबर के साथ कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड होगा? 2, 4 भैया, टू बी होगा ना, 2 - 2। तो अभी तो बोला हमने कि a माइनस ए सेटिस्फाई करेगा, तो 2, 2 के साथ भी तो रिलेटेड होगा, ये समझा ना? क्लियर हुआ? तो 2, 4 दोनों आएंगे, तो 2, 4 आ गया 2 का इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे अच्छा मैं बाकी भी निकाल सकता हूं, 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा? वो भी 2, 4। अच्छा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा? 1, 3, 5। अच्छा, 3 का 1, 3, 5 एंड 5 का भी 1, 3, 5। अब मैं पिछला वाला जो पार्ट था फर्दर वाला, वो इसके थ्रू भी कर सकता था। देखो 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू 1, 3, 5 इटसेल्फ, 2, 4 आर रिलेटेड टू 2, 4 इटसेल्फ। यहां से भी हो गया, इक्विवेलेंस क्लास से भी हो गया, मैंने हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल दी।
राइट right? और वैसे भी टू की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी तो टू की इक्विवेलेंस क्लास का आंसर ये आ गया, बात खत्म। ये वो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट आ गया जो टू के साथ रिलेटेड होंगे। कौन से एलिमेंट्स? जो ए को बिलोंग करेंगे, ठीक है, जो टू के साथ रिलेटेड होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे? थ्रू द रिलेशन आर। आई होप क्लियर हुआ, इक्विवेलेंस क्लास समझ में आया पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ये नोट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, एक दो टाइप, एक दो क्वेश्चन है जो मेरे को करवाने हैं, क्योंकि इवन माइनस इवन ही तेरा इवन नंबर होता है, ये समझ चेतन ने, समझ। इवन के साथ ऑड क्यों नहीं आएगा? इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कर, बिल्कुल इसी को यूज करके चूज करें नंबर। ये रिलेशन फंक्शन वही स्कूल लेवल का? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर एम एन डी का मैं थोड़ा एक दो क्वेश्चन तो डालूंगा, क्योंकि ये पार्टी बड़ा कम है यार, तो एम एन डी का तो डालूंगा डालूंगा साथ में। तो ओड माइनस इवन ओड होता ना, तो ओड नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर के साथ रिलेटेड होते हैं, इवन नंबर जो होते हैं ओड नंबर के साथ रिलेटेड होते हैं, ओड ओड के साथ, इवन इवन के साथ रिलेटेड ना होता, ठीक है ना? चले
चलें, ऑनलाइन कर लिया नोट? यस सर। चलो, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन कैपिटल एन आएगा, एन क्रॉस एन ब्रैकेट नहीं आएगी, एन क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कल हमने देखा था, है ना, एन क्रॉस एन डिफाइंड एज is an equivalence relation. Is an equivalence relation. Also find equivalence class ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास 2.3। अब यार जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं और ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अब आ रहा है, ये और इसका अगला वाला जो आएगा, इनके अंदर फर्क पता क्या चीज है? पहले हम कर रहे थे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट, अब क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर को एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेट। अब जो एलिमेंट था, देखो पहले हम क्या बोलते थे, ए कोमा बी आर को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी, हाँ है ना। अब जहां पे इसका ए है वहां पे चेक करो क्या है, ए कोमा बी, जहां पे इसका बी है वहां पे इसका क्या है, सी कोमा डी। मतलब यहां पे अगर एक एलिमेंट ए को बी के साथ रिलेट करते थे, यहां पे अब क्या कर रहे हैं हम, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर को बी, सी कोमा डी ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर को एक ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, इसके अंदर हम एक ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने ये बोला कि एक ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के थ्रू दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ तब रिलेटेड होगा जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा, मतलब सम ऑफ द एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मीन्स। ये चीज क्लियर हुआ पक्का? तो अगर ये हुआ तो जाके एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ रिलेटेड होगा, आया ना। फिर उसके बाद 2.3, अब एक एलिमेंट की ऑर्डर वो अपना इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाती है, इसके अंदर जो एलिमेंट रिलेटेड हो रहा है वो तो ऑर्डर पेयर है, तो एक ऑर्डर पेयर की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जाएगी। क्लियर हुआ पक्का? क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टेटमेंट की, यस, एक ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट किया जा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, ये वाले क्वेश्चन के अंदर देख के डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ रिलेट करना, ऑर्डर पेयर को ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट करना, ये समझ में आ रहा है पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है तू पक्का? चलो अब देखो जरा, सबसे पहला रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले हम क्या बोलते थे, प्लीज छोड़ दो इधर, रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले हम क्या बोलते थे, ए कोमा ए टाइप का एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब इसके अंदर एलिमेंट की जगह क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, तो एक ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, मतलब हमें यह प्रूव करना है कि ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, हाँ या ना, हमें यह प्रूव करना है, यहां तक कोई डाउट, राइट? अच्छा, अब इन दोनों को रिलेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और वो तो होता ही है। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो देयर फॉर ए कोमा बी इज रिलेटेड टू a कोमा बी, देयर फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, दैट्स इट। लिखना सिर्फ यही है, बट ये समझ होनी चाहिए लिख क्या रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ये चीज, ये समझ में आया पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, यस। देन सेकंड सिमेट्रिक। अब सिमेट्री के लिए हम पहले क्या अस्यूम करके जाते थे कि ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, मतलब ए एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, तो क्या प्रूव करना होता था, बी कोमा ए। तो अब इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो टू प्रूफ क्या आ जाएगा कि सी कोमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए कोमा बी, ए इज रिलेटेड टू बी, तो प्रूफ क्या करना, बी इज रिलेटेड टू ए। अब अगर ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और जो प्रूव करना उसका मतलब क्या है, विच इज गिवन, ये तो गिवन ही है, तो जो चीज प्रूव करनी थी वो डायरेक्टली हो गई,
तो R इज सिमेट्रिक. थर्ड ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए पहले हम तीन एलिमेंट्स लेके जाते थे, ए बी का एक ऑर्डर पेयर बनाते थे, ए इज रिलेटेड टू बी, फिर बीसी का बी इज रिलेटेड टू सी, फिर बोलते थे ए इज रिलेटेड टू सी. तो तीन एलिमेंट्स लेके जाते थे, अब इधर तीन एलिमेंट्स की जगह क्या देंगे, तीन ऑर्डर पेयर. तो सबसे पहला ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. अच्छा, सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी. अब ये दोनों आपस में कब रिलेटेड होंगे, जब सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई होगा. अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ए कोमा बी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ, ये प्रूफ करना है. हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट, श्योर समझ आ रहा है? तो दोनों को ऐड कर दिया, डी डी कटा, सी सी कटा, क्या बचा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस. ये चीज तो प्रूव करनी थी कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. तो आर अगर ट्रांजिटिव भी आ गया, वी आर डन, वी आर डन. अच्छा, अब क्या निकालना हमें, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ. तो मैंने क्या किया, ए कोमा बी को टू कोमा थ्री मान लिया, ये देखने के लिए कि टू कोमा थ्री के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है, राइट. अब इसके अंदर से जो सी एंड डी की वैल्यू इधर सेटिस्फाई होंगी, जो सी एंड डी के ऑर्डर पे रहेंगे, वो सारे के सारे टू कोमा थ्री से रिलेटेड होंगे. तो जो सी कोमा डी की जो भी वैल्यू आएंगी, मतलब उनका जो भी ऑर्डर पेयर बन के आएगा, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा वो टू कोमा थ्री के साथ रिलेटेड होंगे, वो उसका सेट जो होगा वो इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा. तो अब इसको होने के लिए क्या होना चाहिए, टू इधर गया तो डी इज इक्वल टू. तो इस चीज, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी सी कोमा डी बनेंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर यहां पे आएंगे, यानी कि वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर टू कोमा थ्री को रिलेट करेंगे करेंगे. ठीक है, कौन से आ गए, सी को वन पुट करो टू, सी को टू पुट करो थ्री, थ्री पुट करो फोर पुट किया एंड सो ऑन. तो ये सारे, ये आया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू कोमा थ्री. क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर. यस, इधर नोट कर लो. Last question. Let a relation R defined on n cross n is n cross n is this. Show that it is an equivalence relation. Show that it is an equivalence relation. चले ना, अगेन सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये चलो रिफ्लेक्सिव में और सिमेट्रिक में तो नहीं चाहेगा, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ट्रांजिटिव में इसका समझना बहुत जरूरी है क्या लिखा क्या हुआ. ठीक है, तो देखो यहां पे प्रोडक्ट है, यहां पे इन दोनों का सम है, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का सम है. तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को अपने अपने नीचे ले गया, तो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी बाय इज इक्वल टू ए प्लस डी बाय,
तो दिस इज 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय डी। ये समझ में आया? तो जो पहले हमारा a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी था, अब उन्हीं के रेसिप्रोकल्स का सम को बराबर किया गया, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो ऑर्डर पे, मतलब वो एक ऑर्डर पे दूसरे ऑर्डर पे के साथ रिलेटेड होगा थ्रू दिस रिलेशन आर। ये समझे ना? अगर ये चीज मैंने ना की तो ट्रांजिटिव प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन है ना, कंडीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर ये चीज ट्रू हुई तो जाके ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। ये प्रूव नहीं करना है ना, ये प्रूव नहीं करना है, प्रूव करने वाली चीज को मैनिपुलेट नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा आप देखो, सबसे पहले अच्छा अगर इधर भी a कोमा b हुआ तो c एंड d की जगह भी a एंड b आ जाएगा, तो इधर a आ जाएगा इधर b आ जाएगा, तो 1 बाय a प्लस 1 बाय b, मेरा 1 बाय a प्लस 1 बाय b वो तो होते ही होता है, तो मैं सीधा लिखूंगा सिंस 1 बाय a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b, देयरफॉर a कोमा b इज रिलेटेड टू a कोमा b। नाउ एक ऑर्डर पर खुद के साथ रिलेटेड हो गई होगा, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ये समझे कि यहां से मैं ये कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इधर सी एन डी की जगह ए एन बी रख के देखा, तो इधर सी एन डी की जगह ए एन बी रखूंगा तो इधर आ जाएगा ए एंड इधर आ जाएगा बी, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो इस तरीके से क्लियर हुआ? पक्का? सेकेंड सिमेट्रिक, नाउ लेट ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। नाउ टू प्रूव कि सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ए कोमा बी, मतलब 1 बाय सी प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए, ये प्रूव करना है। और ये तो ऑलरेडी गिवन है, ध्यान से देखो, राइट, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अच्छा थर्ड ट्रांजिटिव, ठीक है, लेट a कोमा b इज रिलेटेड टू c कोमा d एंड c कोमा d इज रिलेटेड टू e कोमा f। तो पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 1 बाय a प्लस 1 बाय d इज इक्वल टू 1 बाय b प्लस 1 बाय c एंड 1 बाय c प्लस 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय d प्लस 1 बाय e। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो मेरा 1 बाय c 1 बाय c कटा, 1 बाय d 1 बाय d कटा, आ गया 1 बाय a प्लस 1 बाय f, That is 1 by b plus 1 by e। ये आ गया। अब टू प्रूफ है कि a कोमा b इज रिलेटेड टू e कोमा f, मतलब 1 by a plus 1 by f इज इक्वल टू 1 by b plus 1 by e, और वो तो प्रूफ हो गया, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो r क्या होगा, इक्विवेलेंस। डन, ये नोट कर लो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है, तो yes, इस क्वेश्चन में मैनिपुलेट करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज नहीं हो पाता।